साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम के मुख्य कोषाधिकारी ने साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कोषागार किसी से भी कोई जानकारी नहीं मांगती है, इसको लेकर लोगों को आगाह भी किया गया। और क्या कुछ उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साइबर क्राइम वाले उनको जो है अपने नंबरों से फोन करके उनसे उनका पर्सनल डाटा मांग करके उनसे ठगी का शिकार उन लोगों को बना रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं पूरे उत्तराखंड में जो कोषागार से पेंशन प्राप्त करते हैं, उनको कोषागार से ऐसे कोई फोन किया नहीं जाता है जिसमें उनसे कोई डाटा मांगा जाता हो। और इसके बजाय जब भी उनको जो है उनका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जो माह होता है, जैसे किसी का सितंबर में रिटायर हो तो सितंबर के महीने, जो अक्टूबर में रिटायर हो तो अक्टूबर के महीने में एक बार कोषागार में जाकर के अपने जीवित प्रमाण पत्र को अपडेट करना होता है। इस कार्य को कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में फोन करके पोस्ट ऑफिस उनके घर में जाके डिवाइस से जो है उससे भी अपडेट कर सकता है।